हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभी कुछ ही समय पहले शारीरिक शिक्षा अध्यापक PTI इसकी आंसर की जारी की गई है। ठीक है, तो देखिए ये प्रेस नोट जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दिनांक 11 का है, कुछ ही समय पहले जारी हुआ है। बोर्ड द्वारा दिनांक 25 सितंबर को आपका ये पेपर हुआ था, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र परीक्षा कोड आपका 128A और दूसरा प्रश्न पत्र परीक्षा कोड 128B, इसका जो है वो प्रश्न पत्र और उसके साथ में इसकी उत्तर कुंजी आंसर की जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिलेगी। तो आप लोग जो है वो प्रश्न पत्र यदि आपका खो गया है तो भी आपको आंसर याद होंगे, इस साइट पर जाकर आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर की जो है वो देख सकते हो। ठीक है, यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी या किन्हीं प्रश्न में अगर कोई दिक्कत है उत्तर के संबंध में या कोई आपत्ति है, तो निर्धारित शुल्क के साथ समय आपको दिया गया है। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको आपके आंसर से कि हाँ जो बोर्ड ने ये आंसर गलत कर दिया है लेकिन आपका सही है, तो प्रूफ के साथ जो है वो आप इस चीज़ को जो है वो अपने पास रखें। और डेट आप देख लें कि 13 से लेकर 15 तारीख तक समय आपके दिया गया है, रात तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर आप दर्ज करा सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर से भी देखिए सिलेक्शन जो है वो हो भी जाता है और रुक भी जाता है, तो इस चीज़ को जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। परीक्षार्थी को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए, अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न, ये सब कुछ जो है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो है आंसर की इस वेबसाइट पर जाकर जो है वो चेक करनी है, और यदि आपको कोई आपत्ति है तो 13 से लेकर 15 तक जो है वो आप करा सकते हो। यहाँ पर जो आपत्ति शुल्क जो है वो 100 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये न्यूज़ है आप लोगों के लिए, इतनी ही। ठीक है, बाकी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये प्रेस नोट जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिन बच्चों ने PTI का एग्ज़ाम दिया था, तो यदि आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो कराइएगा, क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन एक नंबर से जो है सिलेक्शन हो रहा है और आपको लग रहा है कि हमारे आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, तो आपको बिल्कुल आपत्ति करानी चाहिए। 100 रुपये इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि एक नंबर पाकर जो है वो आप सिलेक्शन ले सकते हो यदि आपका आंसर सही है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसी तरीके से जो भी न्यूज़ होगी आपके एग्ज़ाम से संबंधित मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।